हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक डिवाइस मेकर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं गियर मोटर, जिसके लिए हमें चाहिए 4 पीस पाइप की शीट, जो कि 6x3 में हमने कट किए हैं, और हमने 2 पीस 6x2 के कट कर लिए हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमें पहले 6x2 की पीवीसी पाइप की शीट ले ली है, और इसमें हमने मार्कर की मदद से टिप मार कर लिया है, और इसको हमने और उसमें इसमें हमने छेद भी कर लिया। आप देख सकते हैं, अब आपके अकाउंट आपके पास जैसे घर है उसके अकाउंट आप इसके बीच का गैप रखें। और हमने एक साइकिल की स्पोक ले ली है, जो कि साइकिल की तीली आपके यहाँ हमारे यहाँ की थी है। अब इसको हमने करेक्ट साइज में हम इसको काटेंगे। इसे काटने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किल से कट गई। ये बहुत ही हैवी है, हमने इसे 3 ले ली है। अब इस ऐसे हम इसमें इसे फिक्स करेंगे, और इसको फेविक्विक की मदद से इसे चिपका देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यकीन मैंने दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह वीडियो बनने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहे, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हैं, हम इसको चिपका रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसमें है गियर फिक्स करने की बारी। आप देख सकते हैं, हमने इसमें गियर बैठाना शुरू कर दिया है, और हमने एक डीसी मोटर के आगे वाली जो घूमने के बीच में शाफ्ट होते हैं उसको ले लिया, और हमारे लंबी शाफ्ट के बीच में इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया, जिससे स्मूथ घूमे। आप देख सकते हैं, इसमें बाहर बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ घूम रहा है। तो हम इस मोटर पर हमारे फेविक्विक लगा देंगे, और इसको हमारे पीवीसी पाइप के बड़े 6x4 के शीट पे लगा देंगे। 3 या 4 हमारे वैसे ही कुछ है। आप देख सकते हैं, हम इसको चिपका रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और हमने इस छोटी वाली शीट को भी इसके साथ अटैच कर दिया है, आपका टाइम ना बचा इसलिए। और हमने यहाँ पे एक बड़ा होल भी कर दिया है, जिससे कि हमारी लंबी शाफ्ट वहाँ से निकले। और इसको हमने फिर में चिपका दिया है, और इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसमें भी हमने डीसी मोटर की शाफ्ट यहाँ फिक्स करेंगे। पहले हम इसकी साइज चेक कर लेते हैं, फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, अभी तो ये चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम अभी हमने इसमें दूसरी डीसी मोटर की शाफ्ट लगा दी है, आप देख सकते हैं, दूसरे पार्ट में भी, और इसमें भी हमने एक लगा दी थी, आपको पता है। अब इसको कनेक्ट करके बताने के बारे आप अब इसका हम बॉक्स बना करके आपको दिखाते हैं। मुझे इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे पास अभी मोबाइल स्टैंड नहीं, इसलिए मुझे इसे रखने में बहुत दिक्कत आती है मोबाइल को हमारे। तो हम आप देख सकते हैं, हमने इसका बॉक्स तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारा लग रहा है बॉक्स छोटा सा। अब आपको इसका पावर टेस्ट दिखाता हूँ, इस क्या स्पीड से घूमने देख सकते हैं आप। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, अब ये फुल चार्जिंग नहीं है, अभी वीडियो बनाना था इसलिए इसको ही ले लिया, अब पर हमारा काम चल जाएगा इसे ही। अब आप देख सकते हैं, हमने इसको 2 स्क्रू ड्राइवर के धागे की मदद से टाइट कर लिया है। आप देख सकते हैं, अब हमारी बैटरी इसे हमारी मोटर इसको बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इसे उठा रही है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते, बहुत ही आसानी से इसको उठा रही है। ओ तेरी, आप देख सकते हैं, इसने तो धागा ही तोड़ दिया हमारा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नोट सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।